मुरादाबाद के थाना मंझौला इलाके की बाल्मीकि बस्ती में जाति सूचक शब्दों का विरोध करने पर दलित युवकों पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। दलित युवकों का आरोप है कि घर में घुसकर महिलाओं को भी पीटा गया। युवक जॉनी का आरोप है कि जब वो मोहल्ले की दुकान से सामान खरीदने गया तो वहां पहले से मौजूद ब्रजपाल सैनी, संतोष, बबलू, राजकुमार, सुनील, मनोज आदि लोगों ने दलित युवक जॉनी से जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे अपशब्द कहे, दुकान से सामान खरीदने को मना भी किया। वहीं दलित युवक के विरोध करने पर 8 से 10 युवकों ने दलित युवक को बुरी तरह पीटा, फिर उसके बाद धारदार हथियार से हमला किया। दलित युवक जानी को बचाने आए उसके भतीजे नितिन को भी बुरी तरह पीटा गया। साथ ही दलित समुदाय के युवकों का कहना है कि आरोपी दलित बस्ती में भी घुस आए और बच्चों महिलाओं से भी छेड़खानी और मारपीट की गई। चाचा हमारे सामान लेने गए थे और क्या कहना है, जब ये आए वहाँ से तो उनको भंगी संगी बगाना, जब भंगी संगी बगाना तो उन्होंने पूछी उनसे कि क्या बात है भाई, क्या बात है, तो उन्होंने एकदम से निकाल के तमंचे की बट मार दी इनके सिर में। किन लोगों ने मारी? सैनी लोगों ने मारी है। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये हमारे पड़ोस के ही हैं। ब्रजपाल नाम है? ब्रजपाल नाम है। कहाँ पे रहते हैं लोग? सिर कोई भूड़। थाना कौन सा पड़ता है? मंझौला। तो आपने भी तहरीर वगैरह दी थी? कितनी चोट लगी है लोगों? ये चोट बहुत लगी है मेरे भी। कितने लोगों की चोट लगी है? कम से कम 2 जनों के लगी है, वो वैसे भी और लोग मतलब गुम चोटें लगी हैं उन लोगों की भी। फिलहाल घायल अवस्था में घायलों को थाने लाया गया। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराने के लिए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। वहीं दलित समुदाय के पीड़ितों की तरफ से तहरीर दी गई है।